हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्ते, कैमन आछो। सो आज के वीडियो होने वाला है एक होम रेमेडी, हाउ टू ग्रो योर नेल्स। आपने मेरे डिस्क्रिप्शन में पढ़ ही लिया होगा। तो मैंने एक बाउल में एक वार्म वाटर लिया है, उसमें मैंने अपने नाखूनों को डिप करके रखा है। इससे मेरे नाखूनों को एक वार्म इफेक्ट मिलेगा, जिससे कि मैं जो बाद में प्रोसेस करने वाली हूँ उसमें इसे आसानी हो। और इसीलिए मैं अपने नाखूनों को पहले वार्म वाटर से धो रही हूँ या फिर डुबो के रख रही हूँ। आप दोनों ही कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट मैं लेने वाली हूँ वो है बहुत ही कॉमन एक इंग्रेडिएंट जो सबके घरों में मौजूद होते हैं, वो है एक नींबू। तो मैंने अभी एक नींबू ले लिया है। अभी इस नींबू को मैंने कट कर लेना है। मैंने कट कर लिया है, आप देख सकते हैं। अभी मुझे क्या करना है, इस नींबू को अपने नाखूनों में अच्छे से रब करते हुए जाना है। अभी रब करते करते मैंने एक एक नाखूनों को इंडिविजुअली रब करना पड़ेगा। देखिए मैं कर रही हूँ जैसे। हमको पता है नींबू में विटामिन सी होता है, विटामिन सी से हमारे नाखून और भी वाइट हो जाएंगे, इसकी ग्रोथ में भी बहुत ही अच्छा इफेक्ट मिलेगा और ये थोड़े से चमकदार भी हो जाएंगे। नेक्स्ट मैं लेने वाली हूँ दूसरा प्रोडक्ट, वो है कोकोनट ऑयल, वर्जिन कोकोनट ऑयल। आप लोगों को भी कोई भी एक ब्रांड का वर्जिन कोकोनट ऑयल लेना पड़ेगा। और कोकोनट ऑयल के सारे गुण तो आप लोगों को पता ही है, तो मैं अभी कोकोनट ऑयल को यूज़ कैसे करता है वो दिखाती हूँ। मैंने हाथों में कोकोनट ऑयल ले लिया है, आप किसी ड्रॉपर से भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने सारे नाखूनों पे अच्छे से कोकोनट ऑयल को स्प्रेड कर लिया है। अब स्प्रेड करने से ही नहीं होगा, इसको जैसे कि आपके नाखूनों पे अच्छे से ऑब्जर्व हो, इसलिए इसे बहुत ही अच्छी तरह से मसाज देना पड़ेगा। मसाज देने से क्या होता है, आपकी नाखूनों की या फिर जहाँ पर भी आप मसाज देंगे वहाँ के ब्लड जो सर्कुलेशन है वो बहुत ही अच्छी हो जाती है, और ब्लड सर्कुलेशन से किसी भी चीज़ की ग्रोथ बढ़ जाती है। अब आप देख सकते हैं मैं नाखूनों के अंदर से भी ले रही हूँ कोकोनट ऑयल को, जिससे कि अगर उसके अंदर कोई डर्ट या फिर कुछ भी होता है तो वो निकल जाएगा। अभी क्या होता है, नींबू मैंने जो यूज़ किया है पहली इंग्रेडिएंट, उससे बहुत लोगों को शायद इरिटेशन व जलन हो सकती है, क्योंकि नींबू में विटामिन सी होता है और एक एसिड की फॉर्मुलेशन भी होती है, इसलिए बहुत लोगों को जलन हो सकती है। इसलिए अगर हो तो भी, अगर ना हो तो भी ये कोकोनट ऑयल आपको यूज़ करना है। जिन लोगों को जलन होगी अगर वो कोकोनट ऑयल यूज़ करेंगे तो वो जलन झट से दूर हो जाएगी और नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो भी उनके पूरे हो जाएंगे। तो अच्छे से नाखूनों पे आपको ये मसाज करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं मैं दूसरे नाखूनों की भी हेल्प ले रही हूँ नाखून को मसाज करने के लिए। मैं अभी एक हाथ में दिखा रही हूँ, आप लोगों को दोनों हाथ में करना है, अगर आप लोग चाहें तो पैर में भी कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं मेरे नाखून कितने ग्लो कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा पहले से वाइट भी हो चुके हैं। अभी नेक्स्ट जो मैं काम करने वाली हूँ, जो मेरे हाथ बहुत ही ऑयली हो चुके हैं, मैं इसको एक पानी में डिप करके हाथ, अभी जो मेरे नाखूनों पे एक्स्ट्रा ऑयल होंगे जो एब्जॉर्ब हो गए उसके बाद भी, तो मैं वो ऑयल को अच्छे से पानी से धो के निकाल लूँगी, जैसे कि कोई भी एक्स्ट्रा नहीं रहे मेरी नाखूनों पर। आप देख सकते हैं मैंने सारे नाखूनों को अच्छे से मसाज करने के बाद धो ली। अभी नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है विटामिन ई ऑयल, और ये बहुत ही अच्छा विटामिन ऑयल है और एक वर्जिन विटामिन ऑयल है। तो आप ये कर सकते कि आप तो ये विटामिन ऑयल यूज़ कर सकते, क्योंकि मेरे पास ये एसेंशियल ऑयल था इसलिए, और इस पर लिखा भी फेस स्किन और नेल के लिए बहुत ही अच्छा है। तो अभी मैं क्या करूँगी, इस ऑयल को मैं अपने नाखूनों पे लगाऊंगी। विटामिन ई जो होता है वो हमारे नाखूनों की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, तो मैं सारे नाखूनों पे इवनली इसको लगा लूँगी। आप देख सकते हैं, और लगाने के बाद मुझे इससे भी अपने नाखूनों को बहुत ही अच्छे से मसाज देना होगा। पहले तो ये हमारे नेल्स की ग्रो के लिए बहुत अच्छा है, और सेकेंडली जो अच्छा है वो है ये नाखूनों को पहले से बहुत ही अच्छा चमकदार बना देंगे, और ये नाखूनों के या फिर फेस के लिए भी सीरम, एज अ सीरम आप लोग इसे यूज़ कर सकते हैं, और फिर ये नेल सीरम तो बहुत ही अच्छा होता है।
आपने देखा मैंने सारे नाखूनों पे अच्छे से स्प्रेड कर लिया। अभी इसके बाद भी मुझे नाखूनों पे मसाज देना पड़ेगा, आप देख सकते हैं। अगर आप लोग के पास विटामिन ई ऑयल का एसेंशियल नहीं है तो आप लोग किसी भी मेडिकल स्टोर से या फिर किसी भी स्टोर से विटामिन ई का जो कैप्सूल्स आते हैं उसे परचेज कर सकते हैं, सकते रिजल्ट्स। तो ये विटामिन ई जो एसेंशियल ऑयल है ये बहुत ही अच्छा है, आप इसे सिंगल भी यूज़ कर सकते हैं या फिर थोड़ी सी ज़्यादा, मैं बता दूँ इसके साथ आप लोग कोकोनट ऑयल या फिर आमंड ऑयल भी मिला के यूज़ कर सकते हैं। इसके इफ़ेक्ट्स बहुत ही अच्छे हैं और ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है। तो अभी आप देख सकते हैं मेरे हाथों को, यस आप देख सकते हैं मेरे नाखून पहले से भी बहुत सफ़ेद हो गए हैं, पहले से भी ज़्यादा ग्लो कर रहे हैं और एक कूलिंग इफ़ेक्ट भी दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं रिज़ल्ट, आप लोग भी घर पे यूज़ कर सकते हैं। आप लोगों को अगर ये हेल्पफुल रहा तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को भी हिट कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मैं आती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, गुड बाय।